बहता था बेजात था लोक भेद के साथ, पहने में सतगुरु मिले दीपक दीन हाथ, दीपक दीन हाथ वस्तु दिन लकाई, कोटि जन्म का पंत था पल में पहुंच जाए। सतगुरु तुम दयाल हो, दाता तुम दयाल हो, तुम लगो मेरी दो, जैसे काग जहाज को सूजे और ठो। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तन शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। नारायण। 10 अक्टूबर 2013 और गुरुवार का दिन, रात जिनका जन्मदिन, जिनकी शादी की सालगिरह, उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, देवाधिदेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपका जन्म 10 अक्टूबर को हुआ है और जीवन में कहीं कोई परेशानी है तो एक निर्णय ये कर दे, आप किसी के साथ धोखा नहीं करें और अपनों के साथ धोखा भी। और दूसरा उपाय है कि हर रोज अपने घर में घी का दीपक जलाकर ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमो इस मंत्र की 3 माला जाप करें और साथ में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं तो जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं गुरुवार के जीवन मंत्र, ओम आंगिरसाय नमः, ओम आंगिरसाय नमः। ये गुरुवार का जीवन मंत्र है, इसका गुरुवार दिन जब भी मौका मिलता है ओम आंगिरसाय नमः इस मंत्र का जाप करेगा बहुत अद्भुत रहेगा। और बात करते हैं गुरुवार के पंचांग की, आश्विन मास शुक्ल पक्ष षष्ठी विक्रम संवत 2017 प्रातःकाल नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र चंद्रमा वृश्चिक राशि में, और गुरुवार का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक, और राहुकाल द्वारा शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निकालना, इसे करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, सलाह मेरी है और मर्जी आपकी है। नमो नारायण। आज नवरात्रों का 6ठा दिन है, माँ कात्यायनी का दिन है, रात के दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देव्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देवी नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ और बड़ा कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। अब मैं नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ले चलता हूँ, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए बात करते हैं गुरुवार के राशिफल की। नमो नारायण। मेष राशि, समय मध्यम है, प्रयासों से सफलता हासिल होगी, किए गए प्रयास सफल होंगे, लेन देन के मसले हल होंगे, दुखों से पीछा छूटेगा, मायूसियां समाप्त होगी, आय के साधन उपलब्ध होंगे, कोई भाग्यवर्धक समाचार भी प्राप्त होगा और स्वजनों के सानिध्य से संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। क्या करें, संतान की भावनाओं को ध्यान में रखकर कदम आगे बढ़ना अच्छा रहता है। क्या ना करें, आवास का कोई आज परिवर्तन, घर का परिवर्तन आज नहीं करें, कोई बदलाव ना करें। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों गोचर ये संकेत दे रहा है कि आज सितारे अनुकूल नहीं है आपके लिए, आप सितारे प्रतिकूलता का संकेत दे रहे हैं, आपके काम करने के तरीके से, आपकी जो नीतियां हैं इसमें थोड़ा सा आपको देखना होगा। वृषभ राशि वालों को आज अपने अंतस में झांकना होगा क्योंकि आपका कार्यशैली ठीक नहीं है और इससे आपके कारोबार में रुकावट आ सकती है, शत्रु हानि पहुंचा सकता है, आपका अपना क्रोध और जल्दबाजी का स्वभाव आज आपको नुकसान दे, बने हुए कार्य बिगाड़ सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो गैर कानूनी हो क्योंकि मान हानि की प्रबल संभावना है। वृषभ राशि वालों सुबह से लेकर शाम तक है भगवान शिव की उपासना करें, मोगरे के पुष्प अर्पित करें, गरीब और निधन व्यक्तियों को आप दूध और चावल का दान दीजिए अच्छा रहेगा, और वाणी में संयम रखें। क्या करें, वाणी की माधुरता से कार्य सिद्ध होंगे। क्या ना करें, बहुत जरूरी है अपनों के साथ धोखा ना करें। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि की, मिथुन राशि वालों ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्नचित मन, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और ले गए निर्णयों की वजह से धन लाभ बढ़ेगा और व्यापार में सफलता और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा, व्यापारिक कार्य में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, मित्रों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी और घर परिवार से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और दिन बहुत अच्छा बीतेगा। क्या करें, सामाजिक कार्य करें, क्या ना करें, किसी को भी अपने कार्य में दखल अंदाजी न करने दें। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, कर्क राशि ग्रह गोचर सामान्य है,
अपनों का साथ मिलेगा, अपनों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा, जो जो पारिवारिक विरोध है उससे छुटकारा मिलेगा, भाई बहनों का पूर्ण सहयोग और वैमनस्य से पीछा छूटेगा, एकदम संतुलन पारिवारिक जीवन नजर आ रहा है। कारोबार के क्षेत्र में सफलता, शिक्षा के क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र के कार्य में लाभ, कारोबार में वृद्धि, धन लाभ और अपनों का साथ भी मिलेगा और दिन बहुत अच्छा गुजर जाएगा। क्या करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, क्या ना करें, पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। नंबर बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, गोचर निजगत कर्मों की वजह से अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। आप ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि दूसरा गलत है, इस बात को ध्यान में रख। क्या कहते, आप हमेशा ये कहते लगते हैं आप, मैं तो ठीक हूँ। अरे आपके ठीक होने से क्या होगा, दूसरा गलत थोड़ी, कभी कभी दूसरों की सुन लोगे तो क्या हो जाएगा सिंह राशि वालों। यदि आज आपने अपने अगले वाले की, अपने साथी की बात को सुना तो नुकसान कम होगा, मैंने गोचर एक रख प्रतिकूलता है, विशेष कार्य और वार्तों का स्थगित रखना उचित होगा। अपनों का असहयोग धन हानि है, आज कारोबार में उठापटक है, स्वास्थ्य भी प्रतिकूल है और परिवार में कलह की संभावना, इसलिए बहुत जरूरी है सावधानी से संयम से कार्य करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सूर्याय नमः, सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। आज कुछ रोगियों को श्रद्धानुसार गेहूं के आटे का हलवा बनाए और अपने हाथ से देसी घी में गेहूं के आटे का हलवा बनाकर खिलाएं, सूजी से नहीं, गेहूं के आटे का, बहुत कल्याणकारी रहेगा। क्या करें, स्वजनों से थोड़ा सा मेलजोल बढ़ाएं, क्या ना करें, कार्य क्षेत्र में कोई फेरबदल ना करें। नमन बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूल नहीं है, आज भाग दौड़ है, परिश्रम है, मेहनत है, लेकिन भाग दौड़ परिश्रम मेहनत के अनुकूल फल नहीं प्राप्त हो, क्योंकि सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत दे रही है। माता के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती, व्यवसाय संबंधी समस्या आ सकती, अनावश्यक भाग दौड़ या सुबह से लेकर शाम तक है, डरे नहीं, गोचर है, मैं ये कहता हूँ छोटा सा उपाय कर दे, अरे उपाय बड़ा अच्छा है। आज माँ भगवती दुर्गा के श्री चरणों में जाकर चुन्नी चढ़ा दे, और चुन्नी हरी हो तो सोने में सुहागा। क्या करें, पारिवारिक संबंधों को तनाव रहित करें, पारिवारिक संबंधों को तनाव रहित बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें, दूसरा के बहकाव में ना आए। नमन बात करते तुला राशि। तुला राशि वालों, घर परिवार के साथ, मित्रों के साथ, कुटुंब के साथ हर्षोल्लास में समय व्यतीत होगा, अपनों के साथ घूमने फिरने और आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा, मेहमानों के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा, अतिथि सत्कार का अवसर मिलेगा, कारोबार की स्थिति मनोनुकूल, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और आपके जीवन में नवीन कार्य स्रोत खुलेंगे जिससे आपको लाभ बहुत मिलेगा। क्या करें, थोड़ा सा जीवन साथी का सम्मान करिए, क्या ना करें, किसी से कर्ज न लें आज। नमन और बात करते वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, सूत्र है कि धुन रे धुन, अपनी धुन पराई धुन में पाप रे पुण। यदि आपने तांग झाक बंद कर दी, लोगों को मध्यस्थता खत्म कर दी, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बिना सोचे समझे दूसरों के काम में टांग अड़ाई कर, ये आपके लिए नुकसानदायक है। धुन रे धुन अपनी धुन, अपने काम से मतलब रखना बेहतर होगा, व्यर्थ की तकरारबाजी से दूर रहे। और आज जो सफलता मिलेगी वो मीठा बोलने से मिलेगी, मधुर वचनों से कार्य सिद्ध मिलेगा और जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी, तो वाणी मीठी रखें और अपनी मस्ती में मस्त रहें, फालतू में किसी के बीच की मध्यस्थता नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। विशेष क्या करें, यात्रा पर जाना चाहते हैं तो 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में कभी भी आप कारोबारी यात्रा कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन लंबी नहीं, नजदीकी यात्रा। क्या ना करें, धन और समय का अपव्यय ना करें। नमन और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, समय प्रतिकूल है, सितारे अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे, बहुत जरूरी आज अत्यधिक आत्मविश्वास पर काबू रखना, जीवन साथी के साथ लेकर चलना, संतान पक्ष से विरोध नहीं रखना, क्योंकि यदि ऐसा आपने कहा तो व्यर्थ का परिश्रम और भागदौड़ लगी रहेगी आज, क्योंकि आज मित्रों से सहयोग की आशा नहीं की जा सकती। आज के दिन किसी महत्वपूर्ण कार्य वार्ता में धोखा संभव, मेरे भाई बहुत जरूरी, परिवार और संतान को साथ रखें, बुजुर्गों की सलाह माने और धैर्य से काम करें, छोटा सा उपाय है, अरे उपाय बहुत अच्छा रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। स्वाघन स्त्री को पीले कपड़ों का दान देना बड़ा लाभकारी रहेगा। क्या करें, अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, क्या ना करें, बेवजह वाद विवाद में न पड़े न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, गोचर मध्यम है, सामान्य है, सुंदर दैनिक दिनचर्या रहेगी और नियमित दैनिक दिनचर्या से स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, स्वजनों को साथ मिलेगा, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, लेन देन के मसले भी हल होंगे, पारिवारिक रिश्तों की प्रगाढ़ता बढ़ेगी, पारिवारिक समस्याओं का निवारण भी होगा, परिवार में एकता बनाए रखना बड़ा अच्छा रहेगा और बेहतर होगा, दाम्पत्य संबंधों में सुधार होगा, व्यवसायिक स्थिति उत्तम रहेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी और दिन अच्छा गुजर जाएगा। क्या करें, स्वजनों से मेलजोल बढ़ाएं,
क्या ना करें, कार्य संपन्नता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। नमन और बात करते कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, समय अनुकूल है, गोचर बहुत शुभ है, आज पूंजी निवेश कर सकते हैं। पूंजी निवेश भूमि में भी हो सकता है, पूंजी निवेश वाहन में भी हो सकता है। आज मनोअनुकूल स्थानांतरण भी है नौकरी में, बॉस बहुत खुश रहेगा। यदि कैरियर संबंधी कोई परेशानी, उसका निवारण होगा। आज आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का पूरा अवसर आपको मिलेगा, क्योंकि समय उत्तम तो सामाजिक कार्य करने की का लाभ भी प्राप्त होगा। क्या करें, आवश्यकता अनुकूल खरीदारी करें तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें, अनावश्यक कारोबारी यात्रा ना करें। नमोना रहे। और बात करते हैं मीन राशि। चलो, दिन अच्छा बीत जाएगा, झमेलों से पीछा छूटेगा। चाहे झमेले कानूनी हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यापारिक हो, कानूनी पारिवारिक व्यापारिक संपूर्ण झमेले परेशानी और विघ्नों से पीछा छूटेगा। जमीन जायदाद संबंधी रुका हुआ कार्य बनेगा। आज वाहन लेने का सपना पूरा होगा और सरकारी कार्य संपन्न होंगे। नमूना रहे। क्या करें, कारोबार के क्षेत्र में फिर बदल कर सकते हैं। क्या ना करें, तो आज बिना सोचे समझे किसी को भी उधार न दे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। नमूना। ये था 12 के 12 राशियों का राशि जो नक्षत्रों पर आधारित था। और बात करते हैं अब आज के उपाय की। आज का उपाय, और ये उपाय आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा, बहुत कल्याणकारी उपाय, बहुत सुंदर उपाय है। याददाश्त या इच्छा शक्ति कमजोर उपाय, और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। या रुद्राक्ष का सुंदर कॉम्बिनेशन है, दो दाने चार मुखी रुद्राक्ष, एक दाना छह मुखी रुद्राक्ष, दो दाने चार मुखी रुद्राक्ष, एक दाना छह मुखी रुद्राक्ष, लाल धागे में विद्यार्थियों को गले में डाल दीजिए। मानसिक शक्ति, पढ़ने लिखने की जो प्रवृत्ति बढ़ेगी और इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी। स्मृति बहुत मैदा होगी। और पहली उंगुली को अंगूठे के जड़ में रखकर, इस उंगुली पर दोनों उंगलियां रखकर यदि ओम ऐं नमः इस मंत्र का 11 बार रोज जाप करते हैं तो याददाश्त बड़ी मैदा रहेगी। प्राण मुद्रा का अभ्यास करने से याददाश्त बहुत मजबूत होती है। ध्यान रखिएगा। नमना रहे। और बात करते हैं आज के संदेश की। मन बड़ा चंचल है, कभी उधर कभी इधर, कबहु मन रंग तुरंग चढ़े, कबहु मन खोज, कभी राजा तो कभी बैरागी, कभी ग्रस्त तो कभी सन्यासी, कभी धनी तो कभी अमीर, तो कभी गरीब। मन का खेल गड़ा गंदा है, ये दौड़ता रहता है। आपको लगता है कि ये कोई मन का असाधारण स्वभाव, एक छोर से दूसरी छोर चक्कर लगाता रहता है। मेरे मित्र, ये मन की चंचलता, और मन की ये चंचलता कोई बुरी बात नहीं, ये आपका स्वभाव है, एक तरह से जीवंत होने का लक्षण है। वहां साक्षात जीवन है, वहां जीवंत प्रकृति अवस्थित है, और मन की अनुपस्थिति जीवन जड़ हो जाएगा, और जीवन जड़ हो गया तो ठहराव आ जाएगा। ठहराव कुछ क्षण के लिए, परंतु रात तो दे दे, परंतु उसके बाद जीवन की इच्छा जन्म ले लेगी। ध्यान रखें, इसलिए मन को मन के आसपास कैसे आ जाए, ऐसे किसी सदगुरु शरणागत जाना पड़ेगा। मन आप पर सवार नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखें। मन पर सवार होना है आपको, और ये गुरु महाराज देते हैं साधन। जब मन पे आप सवार हो जाएंगे तो मन आपको राह दे जाएगा बेचैनी से, और जीवित होने का लक्षण यही है। मन पर आप जब सवार हो जाएंगे तब जीने का आनंद है। मन आप पर सवार है, आप जीते जी बंदी है मेरे मित्र, जीवन में कुछ नहीं कर पाए। मन पर आप कैसे सवार हो, किसी सजगुरु की खोज करें, नहीं मिलता तो दाती महाराज से सहयोग मांगे, हमेशा वो तो तैयार खड़े हैं। नमूना रहे। बात करते हैं आज के सुझाव की। आज का दिन शुभ बीते इसके लिए आप उपाय कर ले। पीले फूल, देसी खाद, हल्दी और चने की दाल किसी निर्धन और गरीब व्यक्ति को प्रभा कर दे, या सात बार अपने ऊपर से उसार कर सदानुसार ये सामान पीले फूल, देसी खाद और हल्दी और चने की दाल बहते पानी में प्रभा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आज इतना ही, कल के लिए है जन्मदिन और शादी की सालगिरह, तो क्या उपाय है। यदि बिना पता भी नहीं चलता एक बाधा आ रही है, और बाधा फिर भी आ रही है, आपको पता नहीं तब भी फिर भी बाधा, तो अज्ञात बाधाओं से कैसे मुझको छुटकारा मिले ये बताऊंगा। साथ ही शुक्रवार का अद्भुत जीवन मंत्र, अद्भुत राशिफल, अद्भुत उपाय और टोटके लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमन आ रहा है।